टीम और वक्त हो गया है एंटरटेनमेंट की मसालेदार खबरों से भरपूर लंच बॉक्स का। संजय लीला भंसाली सलमान और शाहरुख के साथ फिल्म बना रहे हैं। अब तक इस फिल्म की हीरोइन कौन होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। इस फिल्म के लिए कभी कटरीना तो कभी दीपिका के नाम बताए गए। बीच में आलिया और जानवी कपूर के नाम भी सामने आए, लेकिन अब ये लगभग पक्का हो चुका है कि ये फिल्म किसके खाते में जाएगी। कटरीना कैफ का पत्ता कटा, दीपिका पादुकोण की बात नहीं बनी, जाह्नवी को पहली नजर में खारिज किया और आखिरकार आलिया पर सब हो गए राज। जिस आलिया की जिद के आगे शाहरुख खान जैसे स्टार्स भी अपनी हार कबूल कर लेते हैं, उनसे भला किसी हीरोइन का क्या मुकाबला। आलिया भट्ट का जलवा ऐसा है कि अब शाहरुख के साथ सलमान भी उन्हें अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तैयार है। खबर है कि संजय लीला भंसाली की उस फिल्म में आलिया भट्ट होंगी जिसमें सलमान और शाहरुख साथ काम करेंगे। सलमान और शाहरुख के साथ बनने वाली ये फिल्म एक लव स्टोरी ड्रामा होगी, जिसके लिए आलिया भट्ट से फिल्म मेकर ने संपर्क कर लिया है। हालांकि आलिया ने अभी फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन सलमान के साथ काम करने के लिए ख्वाहिश कई बार जता चुकी है। आलिया इस फिल्म को हाथ से जाने देने वाली नहीं है, ये बात भी तय है। आलिया को सलमान सबसे शानदार लगते हैं। इतना ही नहीं, साल 2017 के आईफा के वक्त सलमान ने आलिया को कटरीना जैसी डांसर भी बताया था। क्यूट आलिया की एक्टिंग के स्टूडेंट से टीचर बनने के लिए सलमान ने बहुत पहले बधाई भी दे दी थी। आलिया भट्ट पर गर्व करना बनता भी है, क्योंकि छोटे से करियर में आलिया ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी फिल्में कमाई के लिहाज से भी रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई हैं। आलिया की हालिया रिलीज फिल्म गली बॉय ने भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। आलिया की आने वाली फिल्में कलंक, ब्रह्मास्त्र और तख्त हैं। मेगा बजट फिल्म में बड़े बड़े स्टार आलिया भट्ट के पास पहले से ही थे। शाहरुख खान के साथ आलिया फिल्म डियर जिंदगी में काम कर चुकी हैं और अब उनकी सलमान के साथ फिल्म करने की हसरत भी पूरी होने ही वाली है। ऐसे में आलिया को नंबर 1 की रेस में जीतने से रोकना